बिहार के आरा में ड्रिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से एक किसान मौसम के विपरीत फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती कर रहा है। बेमौसम खेती करने से किसान पॉली हाउस और ड्रिफ्ट इरिगेशन के मदद ले रहा है ताकि समय से पहले हाइब्रिड गोभी तैयार किया जा सके। बता दें कि गढ़हनी प्रखंड के भेड़री गांव के रहने वाले किसान सियाराम मौर्या एक युवा किसान है और पढ़े लिखे किसान है। सियाराम मौर्या एग्रीकल्चर से मास्टर किए हैं और अब गांव में आकर के खेती कर रहे हैं। हाइब्रिड गोभी के बड़े लेवल पर ये खेती कर रहे हैं। हाइब्रिड गोभी की खासियत यह है कि साइज में बहुत सामान्य गोभी से बड़ा होता है और हाइड्रोपोनिक तरीका से गोभी की खेती करने से उसके अनुकूल वातावरण दिया जा सकता है। साथ ही ड्रिप इरिगेशन से उसका पटवन किया जाता है। इसके वजह से पानी, समय और पैसे की बचत होती है। साथ ही भरपूर मात्रा में हाइब्रिड गोभी की जड़ से लेकर ऊपरी भाग तक पानी चाहिए होता है, जो कि आसानी से मिल जाता है। भेड़री गांव के इस किसान की आदत परंपरागत खेती से विपरीत खेती करने की है। करोड़ों रुपया लगा हाइड्रोपोनिक प्लांट बैठा चुके हैं। इनके द्वारा इटालियन तुलसी, पुदीना, चेरी टमाटर और विभिन्न तरह के फसल उगाए जाते हैं और अब इस बार वो गोभी की फसल पर ध्यान दिए हैं और करीब 1 से 1.5 एकड़ में वो पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती किया है। ज्यादातर इसमें पत्ता गोभी लगाए गए हैं और थोड़े से जगह में फूल गोभी की फसल भी लगाए गए हैं। साल में 3 बार इनके द्वारा गोभी की खेती की जाती है और लगभग 10 से 11 लाख रुपए शुद्ध मुनाफे कमाए जाते हैं। हर बार खेती करने के समय में ये मौसम के पहले खेती करते हैं, जिससे गोभियों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इनको बाजार में भी ज़्यादा नहीं जाना पड़ता है। लोग और ग्राहक किसान खेत में ही पहुँच कर गोभी की खरीदारी कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रह रहा है। आप देखिए, मई जून में टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुँच जा रहा है, तो इसलिए जब बाहर हम लगाते हैं तो बर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, गोभी नहीं हो पाती है। हमने इसलिए पॉली हाउस में स्टार्ट किया और अच्छा, मतलब इस बार मुझे रिटर्न भी मिल रहा है, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ है। अभी 10 दिन के अंदर अंदर दोबारा हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी मेरे प्लांट की। एक बार हार्वेस्टिंग कर चुके हैं? हाँ, एक बार कर चुके हैं। कितने जगहों में इसको इसकी खेती की है? अभी मेरे यहाँ 3000 स्क्वायर मीटर में लगा हुआ है, पॉली हाउस में लगा हुआ है। पॉली हाउस में ही क्यों किया है? पॉली हाउस में क्योंकि क्या है, टेम्परेचर को ऑफसेट कर सकते हैं। जैसे बाहर टेम्परेचर 45 है तो अंदर 40 से मतलब नीचे ही मेंटेन कर लेते हैं, 35 तक आ जाता है हमारे। इसके वजह से क्या फ़ायदा हुआ? इसी वजह से अच्छा ग्रोथ है प्लांट की और जल्दी तैयार हो रहा है। तो इससे अगर सीजन के पहले होता है तो ज़्यादा प्रॉफिट देकर जाता है? हाँ, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस रहता है। अभी जैसे 20-30 रुपये पीस जा रहा है, अब सीजन पे आ जाएगा तो और कम हो जाएगा उसका दाम। आप सीजन के पहले भी महंगा बेचते हैं? जी।